अगर शिक्षकों का कोई धर्म ग्रंथ हो, अगर मेरे हिसाब से अगर वो है तो गिजू भाई का वो दिवस्वप्न है, वो पढ़ना सबसे ज़रूरी है। क्यों? कुछ लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने देखा किस तरह से गिजू भाई की क्लास में बच्चे जब शोर मचा रहे थे तो किस तरह से उन्होंने क्लास को कंट्रोल में करा था। क्या लगा, क्या करा होगा? कहानी सुनानी चालू कर दी, 7 दिन तक कहानियाँ सुनाई लगातार। और जब 7 दिन तक कहानियाँ सुना ली, उसके बाद जब मैत्री और संबंध बना, तब आगे की बातें, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और न्यूटन्स लॉ, और वो सब भी कक्षा के बाहर, जब सब कुछ चट्टाने बाहर पड़ी हैं तो रॉक्स के बारे में बात करनी हो तो बाहर ही ना क्यों ना करें। उसी तरह से एक और किताब है, द टीचर, सिल्विया एस्टन वॉर्नर। किसी बच्चे को भाषा सिखानी हो तो कैसे सिखाएं, उसके बारे में किताब है। और ये महिला थी सिल्विया एस्टन वॉर्नर, जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर आदिवासी बच्चों के साथ अंग्रेजी में काम करा, और वहाँ पर ये निकल के आती है बात, अगर हमें कभी भी किसी भी भाषा से नफरत करानी हो तो व्याकरण से चालू करें, है ना? और इसीलिए आपकी, आप लोग गुजराती इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आपकी मातृभाषा है, आपकी माँ ने आपके साथ ये अत्याचार नहीं करा। अगर वो भी व्याकरण सिखाती आपको तो गुजराती भी नहीं बोल पाते। भाषा तभी बोल पाते हैं जब भाषा में अपने भाव व्यक्त करें, उसमें बात करें। व्याकरण तो अपने आप बाद में आएगी, और हम लोग सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, प्रपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव में अटक जाते हैं। क्या बच्चा इंग्लिश सीखेगा या क्या बात करेगा? बहुत रोचक किताब है, किस तरह से आदिवासी बच्चों ने अंग्रेजी पढ़नी सीखी और अपनी भावनाएं व्यक्त करनी सीखी। हाउ एम आई एबल टू कन्वे माई इमोशंस एंड फीलिंग्स, वो भाषा का नाम है। किस तरह से मैं अपने अंदर की बात आप तक, अपने अंदर की फीलिंग्स आप तक पहुंचा पाता हूं, वो भाषा है। समर हिल एक स्कूल की कहानी है। इंग्लैंड में अभी 1940 से स्कूल चल रहा है। कैसा स्कूल है? 17 साल तक एक बच्चा गया स्कूल में, ग्रेजुएट हो गया, कभी भी क्लास में नहीं गया, पूरे टाइम वहां पर खेलता रहा या जो भी करता रहा। अगर मन है तो क्लास में जाएंगे, मन है तो नहीं जाएंगे। जब ग्रेजुएट करके निकल गया, तब एक साल के अंदर जब नौकरी करनी थी तो सब कुछ एक बार में पढ़ के सारा काम कर लिया। बच्चे निर्धारण करते हैं कि कौन सा क्लास में जाना है, कौन से टीचर के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। अभी भी स्कूल चलता है ये। अगर फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी या साइंस की कोई सबसे अच्छी किताब अगर हो तो पेरेलमैन की किताब है, एस्ट्रोनॉमी विद फन, फिजिक्स विद फन। और फिर है मार्टिन गार्डनर, सबसे बड़े गणितज्ञ अगर मैं कहूं, जिन्होंने कभी खुद गणित नहीं पढ़ी, 12वीं तक ही गणित पढ़ी, लेकिन जर्नलिस्ट थे। 25 साल तक साइंटिफिक अमेरिकन नाम की एक किताब थी, उसका संपादन करते रहे। हर महीने एक बहुत रोचक गणित की कहानी लिखते थे जिसको पूरे देश भर के लोग पढ़ते थे। और तब, जैसे फॉर इंस्टेंस, कभी आपने कल्पना करिए, एक समथिंग कॉल्ड द परफेक्ट शफल, कागज के एक डेक को 2 बराबर भागों में, बिल्कुल बराबर, 26 इधर 26 इधर, फर्री लगाते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा शफल बोलते हैं ना, ऐसा ऐसे करें कि एक के बाद ऐसे हो जाए, हर एक पत्ते के बाद एक पत्ता हो जाए। तो ऐसा सवाल है कि कितनी बार ऐसा करेंगे कि वापस से वही का वही बन जाए। और एक लड़का था, उसके हमेशा सी आते थे गणित में, और आज हार्वर्ड में वही लड़का प्रोफेसर है। हार्वर्ड बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है अमेरिका में, वहां पर गणित का प्रोफेसर है। और मार्टिन गार्डनर, जो कि एक साधारण जर्नलिस्ट ही था, उसकी निगाह में ये बच्चा आया कि ये बच्चा 14 साल का है और शिप में बैठकर जुआ खिलाता था लोगों को, बिकॉज उसको गणित बहुत, ये वाली जुए की गणित और कागज ये सब करना बहुत अच्छा आता था। मार्टिन गार्डनर ने एक चिट्ठी लिखी हार्वर्ड के प्रोफेसर को कि मुझे ये नहीं मालूम इसको गणित कितनी आती है, लेकिन दुनिया में इससे अच्छा ये ताश का खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। और वो लड़का, वहाँ का जो प्रोफेसर था, वो भी, उसने बड़ी मुश्किल से उसको अपने यहाँ लिया, पीएचडी करी। आज वही लड़का हार्वर्ड में प्रोफेसर है। जब वो निकल रहा था प्रोफेसर बनकर, तब उसको बताया गया कि देखो, तुम्हारा दाखिला यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि मार्टिन गार्डनर ने तुम्हारे रिकमेंडेशन में एक चिट्ठी लिखी थी। दैट इज़ हाउ, एंड यू कैन चेक मार्टिन गार्डनर ऑन द इंटरनेट। उनकी करीब 100 किताबें हैं, उसमें से 16 मेरे पास भी हैं। कभी आपको रुचि हो तो पढ़िएगा, एक बार पढ़ें तो ऐसे लगता है कि कहानियां ही कहानियां हैं गणित की।